हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वाली नई वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने सैमसंग के मोबाइल को अपने एयरबड्स के साथ कैसे फॉरगेट कर सकते हो। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो पहले आपको सेटिंग्स ओपन कर लेना है। सेटिंग्स ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको कनेक्शंस का ऑप्शन मिल जाएगा। कनेक्शंस के ऑप्शन में जाना है, फिर यहाँ पे आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन भी ऊपर ही दे दिया जाएगा, उस पर भी क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मेरे ब्लूटूथ एयरबड्स का नाम है पेट्रोन TWS, वैसे आपके जो एयरबड्स का नाम होगा या कोई भी आपके ब्लूटूथ डिवाइस का नाम होगा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आप उसके जस्ट नाम के बगल में आपको एक सेटिंग्स का आइकन दिख जाएगा लाइक दैट। ठीक है, तो आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। आपको इस सेटिंग्स के आइकन पर क्लिक करना है। उसके सेटिंग्स के आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलेंगे आपको, रिनेम, कनेक्ट एंड अनपेयर। तो हमको सीधा फॉरगेट करना है। कनेक्ट डिसकनेक्ट से भी सीधा फॉरगेट नहीं होता है। यहाँ पे सैमसंग में आपको फॉरगेट की जगह अनपेयर का ऑप्शन दे रखा होता है। यहाँ पे सिंपली अनपेयर करते ही ये फॉरगेट हो जाएगा आपके डिवाइस से। तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।